अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है अररिया इमाम न्यूज़ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किशनगंज की लोकसभा के चुनावी माहौल पर बातें करेंगे। किशनगंज की लोकसभा में अगर आज चुनाव होता है तो किस पार्टी को कितने परसेंट किशनगंज की लोकसभा की जनता वोट करती नजर आ रही है। यकीनन किशनगंज की लोकसभा के जनता के लिए ये खबर बहुत बड़ी है। दोस्तों, इस खबर को आप खुद सुने और किशनगंज की लोकसभा में रहने वाले जनता को शेयर करें। दोस्तों, आगे इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आज की डेट में किशनगंज की लोकसभा में चुनाव होता है, किस नेता को और किन पार्टी के नेता को किशनगंज की लोकसभा की जनता सबसे ज्यादा वोट करती नजर आ रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किशनगंज की लोकसभा की चुनावी माहौल पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए दोस्त आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किशनगंज की लोकसभा में 6 विधानसभा है। 2020 विधानसभा की इलेक्शन में किशनगंज की लोकसभा की 6 विधानसभा में से 4 विधानसभा में असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अपना परचम लहराया था। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के टिकट पर 4 विधायक जीतकर बिहार की विधानसभा में पहुंचे थे। इस हिसाब से किशनगंज की लोकसभा में असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन दोस्तों, सत्ता की लालच में बहककर या बहकाकर पिछले दिनों किशनगंज की लोकसभा से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के 4 विधायकों में से 3 विधायक मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गया है। इस हिसाब से अब आरजेडी किशनगंज की लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन दोस्तों, वोट शेयरिंग में अब भी असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन किशनगंज की लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं अगर बात करें महागठबंधन की, महागठबंधन किशनगंज की लोकसभा में वोट शेयरिंग में दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर बीजेपी है। तो किस नेताओं को आज की तारीख में किशनगंज की लोकसभा की जनता अपना सांसद चुनते हैं? सबसे पहले नंबर पर अख्तरुल ईमान को किशनगंज की जनता अपना सांसद चुनते हैं। दूसरे नंबर पर मास्टर मुजाहिद को, तीसरे नंबर पर डॉक्टर जावेद को अपना सांसद चुनते हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, आप इस खबर के मुतालिक क्या राय रखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतला सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।